हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। एनवायरनमेंट हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी कारण से इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। एनवायरनमेंट न सिर्फ हमें केवल और केवल लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बल्कि इकोसिस्टम बैलेंस भी करता है। इस इकोसिस्टम बैलेंस में अगर बात करें तो यह हर एक बायोडाइवर्सिटी पॉइंट को फूड प्रोवाइड करता है और फिर बाकियों के लिए भी फूड की कंडीशन को बता रहा होता है। यानी कि एक स्पीसी दूसरे के लिए या तो फूड बन रहा होता है या किसी भी तरीके से फूड प्रोवाइड कर रहा होता है और इस तरीके से एक पूरी की पूरी चेन बन जा रही होती है। इस चेन में से अगर कोई भी एक लिंक अगर मिसिंग होगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसे हम एनवायरमेंटल डैमेज के रूप में देख सकते हैं। और आज की डेट में हमें काफी ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेज देखने को मिल जा रहा होता है। रिसेंट में आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि 6th मास एक्सटिंक्शन की केस चल रही है। इस 6th मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे स्पीसी एक बड़ी तादाद में खत्म हो गए जो कि एनवायरमेंटल लॉस के कारण से ही हुआ है। इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है 19th और 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में लोगों को कई सारी प्रॉब्लम होना शुरू होती है और इस कारण से 1972 में पहली समिट होती है, इंटरनेशनल समिट, जिस पर एनवायरमेंट बेस्ड फोकस किया जाता है। इसकी ज्यादा अच्छे से शुरुआत 1992 में होती है, जिसे अर्थ समिट या रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रियो दे जेनेरियो में 1992 में हुई थी। इस 1992 रियो दे जेनेरियो समिट में एक डेट 5 जून निर्धारित किया गया, जिसको कि एनवायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस एनवायरमेंटल डे पर हर साल हर एक कंट्री कोई ना कोई एक नए इनिशिएटिव, कोई ना कोई एक नए प्लेज लेकर के आती है। इसी तरीके से अभी रिसेंट में 5 जून को इंडियन गवर्नमेंट भी एक नए प्लेज के साथ आती है, जिसका नाम है नगर वन स्कीम। इस सेशन में हम लोग देखेंगे नगर वन स्कीम के बारे में क्या कुछ है, क्या चीज किया गया है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल और टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। नगर वन स्कीम के बारे में अगर बात करें तो देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे द गवर्नमेंट टूडे अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगर वन स्कीम टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में 200 नगर फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडी, एनजीओ और लोकल सिटीजन के द्वारा आपस में पार्टिसिपेशन पे तैयार किए जाएंगे। डिटेलिंग के बारे में अगर बात करें इसके, तो देखिए गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस्ड किया जो कि 5 जून को किया और इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई है सेलिब्रेटिंग बायोडायवर्सिटी। इस बायोडायवर्सिटी में देखिए गांव और शहर दोनों ही होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो फोकस किया गया है वो अर्बन फॉरेस्ट या फिर नगर वन को फोकस किया गया है। इसके पीछे रीजन साफ है कि नगर में यानी अर्बन एरिया में पॉल्यूशन काफी ज्यादा होते हैं और फिलहाल सरकार ने सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू काफी कुछ फॉरेस्ट्री के सेक्टर में काफी कुछ किया है, लेकिन यह अभी अपने आप में सफिशियंट नहीं है और इसी वजह से अर्बन फॉरेस्ट्री या फिर नगर वन की शुरुआत भी कर दी गई है हमारे इस नए इनिशिएटिव वन नगर वन स्कीम के तहत। इसको शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा और वो शुरू की गई है हमारे एनवायरमेंट डे के दिन। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें तो नगर वन स्कीम का एम है 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर डेवलप कर जाना। अर्बन एरिया में अगर बात करें तो देखिए केवल और केवल नई जमीन को या फिर कह लीजिए ग्रीन फील्ड एरिया को नहीं लिया जाएगा, न्यू फील्ड को नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो बैरन लैंड्स है या जहां पर भी डेवलपमेंट हुई है या फिर कह सकते हैं कि जो एरिया खराब हो गया है उस एरिया को बेसिकली डेवलप किया जाएगा, ग्रीनरी में तब्दील किया जाएगा। इस पूरे के पूरे स्कीम में एक रोल मॉडल बनाया गया है और वो रोल मॉडल है पुणे का वारजे अर्बन फॉरेस्ट एरिया। ये एरिया पहले बहुत ही ज्यादा बैरन एरिया था और यहां पर बेसिकली कूड़ा करकट फेंकने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन पुणे सिटी जो कि काफी ज्यादा अर्बनाइज्ड सिटी है और अर्बनाइजेशन की इस पूरे के पूरे स्कीम में, इस पूरे के पूरे लिंक में एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन करने पे ज्यादा ध्यान दिया गया और इस तरीके से पुणे की जो वारजे अर्बन फॉरेस्ट एरिया है इसको डेवलप किया गया।
आज की डेट में ये फॉरेस्ट एरिया कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी सोर्सेज हैं उनको एडॉप्ट कर रही होती है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रही होती है, और इस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो भी कॉम्बिनेशन है बेसिकली उसको बैलेंस कर रही होती है। साथ ही साथ ये बहुत सारी वाटर बॉडी को भी कंटेन किए हुए है जिससे बायोडाइवर्सिटी को भी अच्छा खासा मेंटेन किया गया है। इस तरीके से इस पूरे के पूरे बैरन लैंड को ग्रीन एरिया में तब्दील किया जा चुका है, और यही रीजन है कि फिलहाल नगर वन स्कीम के लिए इस वारजे अर्बन फॉरेस्ट एरिया को रोल मॉडल बनाया गया है। इस स्कीम में पार्टिसिपेशन केवल और केवल गवर्नमेंट का नहीं रहेगा बल्कि कॉरपोरेट, एनजीओ और लोकल पार्टिसिपेशन भी किया जाएगा जिससे कि ज्यादा अच्छे तरीके से इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की जा सके। जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड पे ही किया जाएगा, कोई नया लैंड इसके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या इन शॉर्ट बात कर सकते हैं कि यहां पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। मतलब कि ऑलरेडी जिस एरिया में जिस लैंड में कोई ना कोई एक्टिविटी हो चुकी है उसी एरिया में इसको डेवलप किया जाएगा। अगर इसके फाइनेंस के बारे में बात करें तो देखिए फाइनेंस जो है बेसिकली वो कैंपा फंड से ही निकाला जाएगा, यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016 एक्ट के तहत जो बनाया गया है उसी स्कीम उसी फंड से इसको भी फाइनेंस किया जाएगा। दिस एक्ट वॉज इनएक्टेड टू मैनेज द फंड कलेक्टेड फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन विच टिल देन वॉज मैनेज्ड बाई एडहॉक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी माइनिंग एरिया, कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी तरीके से अगर फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही होती है तो या तो आप फॉरेस्ट को इक्वली फॉरेस्ट को आप या तो प्लांट कर रहे होते हैं या फिर उसी फॉरेस्ट की वैल्यू को एक संस्था को दे दिया जाता है जिसको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के अंतर्गत इसे जमा कर लिया जाता है। यहां पर फिलहाल जो इस फंड का यूज किया जाएगा उसमें 90% जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और 10% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखी रहेगी जिससे कि आपस में कोलैबोरेटिव मैनर में ये इंप्लीमेंट कर पाए इस पूरी स्कीम को। इस पार्टिसिपेशन को देखते हुए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शेड्यूल 7 की जो कंकरेंट लिस्ट है उसको हार्ट एंड सोल और इसके लेटर एंड स्पिरिट से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्कीम नगर वन स्कीम। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या प्रैक्टिस के लिए है। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट मेड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये आप एक क्वेश्चन है जिसको कि आप लिख करके आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं जिसकी डिटेल ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी आती है या फिर आपको कोई फीडबैक या सजेशन होती है तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज ईमेल एड्रेसेस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ नए पैट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।